दलों की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो पार्लियामेंट में हमला करने पर राजनीति बंद करो 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 पार्लियामेंट में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो 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 पार्लियामेंट में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो बंद करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो पार्लियामेंट में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो पार्लियामेंट में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो 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 पार्लियामेंट में हमला करने वालों पर राजनीति बंद करो। अशोक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्री स्तर पर हो, चाहे सुरक्षा के विषय के अंदर की चूक कभी बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की बातों पर राजनीति, अफजल गुरु और बेरोजगारी दोनों बराबर हैं, अफजल गुरु पाकिस्तानी और हमारे बेरोजगार कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते सामने सामने, और इस तरह की बातें करना कुछ सियासतदानों को शोभा नहीं देता। श्रद्धांजलि का समय था, उस दिन श्रद्धांजलि थी 13/12/2023, और 13/12/2023 का दिन चुन करके ये जतलाने का प्रयास किया गया कि वो वाकया आज भी जिंदा है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि का समय था, श्रद्धांजलि को डिस्टर्ब किया गया ताकि श्रद्धांजलि ना हो। वो जो हमारे बड़े बड़े नौजवान मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास नहीं किया जाए, प्लीज मेरी जी। और ये जो सारी घटनाएं और इस घटना को कंपेयर करना बेरोजगारों के साथ, अफजल गुरु बेरोजगार नहीं हो सकते, हमारे बेरोजगार पक्के हिंदुस्तानी हैं, और इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके उनका अपमान करने का प्रयास हुआ है। और हर बार हमको इसराइल से सीखना चाहिए, हमास ने उग्रवादी भेजे, यहाँ ऐसे उग्रवादी आए सारे इकट्ठे हैं, विपक्ष भी इकट्ठा है, सत्तारूढ़ भी इकट्ठा है, और यहाँ पुलवामा पर सवाल, चाली कैसे गए आपने कराया, बालाकोट पर वहाँ हुआ ही नहीं, देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठ हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और वो मेंबर पार्लियामेंट जिसके पास के ऊपर से गए, अगर वो बीच में आता उसको भी माफ़ नहीं करना चाहिए।